हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्राइबल फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट द टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्राइबल फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया इट देन जैसे कि आप लोग जानते हो जितना भी ट्राइबल जो फोक पेंटिंग सब होता है वहाँ पे क्या करते हैं लोगों का बिलीव रहता है कि ये पेंटिंग अगर वो लोग घर के बाहर में बनाएंगे देन वो लोग के लिए वो लो का आत्मा को शांति मिलेगा बोलो का आत्मा क्या है यहाँ वहाँ नहीं फटेगा हेवन में जाएगा देन दूसरा वो लोग ये भी बिलीव करते हैं कि वो लोग के घर में क्या है शांति सुख और समृद्धि आएगी इसलिए ये सब पेंटिंग किया जाता है और दूसरा क्या है ये खूबसूरत भी बनाता है इसके लिए भी किया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट वन हम लोग का है मंजूसा पेंटिंग जो सांप भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जैसे पेंटिंग में है तो वो लोग सांप को वर्शिप करते हैं और ये पेंटिंग बनाते हैं और आजकल तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं बॉक्स में बनाते हैं जो बॉक्स रहता है जो आजकल तो हम लोग लगेज यूज करते हैं बट गाँव के विलेजर वाले क्या है बॉक्स पकड़ के घूमते हैं देन वहाँ पे भी ये पेंटिंग को देखने को मिलता है देन ये बिहार का है हम लोग का और ऐसे बिलीव करते हैं कि ये जितना भी सीरीज होता है उसको पूरा रिप्रेजेंट करता है एक स्टोरी के फॉर्म में इसको ये पेंट किया जाता है देन ये इसका ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था हम लोग का महाजनपदा का एक महा जनपदा में हुआ था अंगा जनपदा जो अभी के ये में क्या है प्रेजेंट डे हम लोग बिहार को मानते हैं तो बिहार में इसका ओरिजिनेट हुआ था और ये क्या है ज़्यादातर फेस्टिवल के टाइम में इसे ये करते हैं यूज किया जाता है पेंटिंग किया जाता है और ये क्या है सांप को भगवान मानते हैं और वो लोग करते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये मिलता है हम लोग का बगलपुर में मिलता है और ये ब्रिटिशर के टाइम में ये ख़त्म ही होने वाला था ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेंचुरी में लेकिन इसके गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं अभी बचा के रखने के लिए बगलपुर का फोक आर्ट इसको ये किए हैं और वहां पे आज भी इसका पेंटिंग ये सब का काम चल रहा है देन रोगन पेंटिंग सेकेंड नंबर में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खूबसूरत सा है और देखा जाए तो अभी हम लोग का इंडिया में सिक्स ही ऐसे लोग हैं छः आदमी हैं जो इसे बना सकते हैं और दूसरा कोई भी नहीं जानता है जो खेत्रीय फैमिली से बिलोंग करते हैं ये पेंटिंग बोलो कि कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं करते ये कपड़ा के ऊपर करते बहुत ही खूबसूरत होता है और क्या है फरिन लोर आके इसे खरीद के लेके जाते हैं देन ये कच्छ का राजस्थान में है और ये क्या है रोंगान पेंटिंग बहुत ही सुंदर होता है और सेवन जनरेशन से ये लोग का चला आ रहा है वो लोग का जो खेत्री फैमिली का है वो अपना जनरेशन को ट्रांसफ़र करते आ रहा है और आजकल क्या है छह इंसान ही बचे हुए हैं और वो लोग का भी ये डरना है शायद नेक्स्ट जनरेशन वो लोग को ट्रांसफर नहीं आ कर पाए फ्यूचर में क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है बहुत खूबसूरत रहता है बट बहुत ही हार्ड वर्किंग है और ये बहुत ही क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी फॉर्म ऑफ आर्ट है और ये फेब्रिक के ऊपर किया जाता है कैस्ट्रॉल ऑयल से और पेंट एंड सिक्स इंच थिन मेटल रॉड से इसको पेंट किया जाता है और फॉरेनर क्या करते हैं इसे परचेस करते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होता है देन हम लोग का थर्ड नंबर है मिथिली मिथिला पेंटिंग तो ये कहाँ का है बिहार का है और ये देख देखने को पता चल रहा है जैसे कि लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे फेस्टिवल के टाइम में वो एक दूसरे के साथ में आ, पूजा पाठ ये सब में कर रहे हैं तो ऐसे ही है वो लोग का लिविंग क्रिएटिव क्रिएटिव को एक्टिविटी को दिखाता है दर्शाता है ये और ये क्या है मिथिला विलेज का जितना वेमेन है वो सब करते हैं और ये कहाँ कहाँ मिलता है हमें देखने को पेपर के ऊपर करते हैं कपड़ा के ऊपर करते हैं रेडीमेड जारमेंट जो होता है उसमें ऊपर करते हैं और कोई भी मार्बल के ऊपर भी किया जाता है और आजकल हम लोग जो लॉन्ग स्कर्ट ये सब खरीदते हैं और ऑनलाइन वहाँ पे भी आप लोग देखे होंगे स्कर्ट हो। में फ्रॉक में इस तरह का डिजाइन होते कॉटन कपड़ा में और ये क्या है जितना भी हम लोग का ये आ, अलग अलग कम्युनिटी का भी यहाँ पे ये लोग ये प्रैक्टिस को करते हैं पेंटिंग को करते हैं देन हम लोग का ये बनी ठनी पेंटिंग है तो इसे क्या कहा जाता है आप लोग मुझे बताएंगे ज्यादातर लोग इसे कहते हैं अलग सा कुछ और नाम देते हैं बहुत ही सुंदर सा है इंडिया का कुछ कहा जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ओके ये देखिए किसानगढ़ राजस्थान का है ये बनी ठनी है टोटली डिफरेंट स्टाइल इन हाईली एक्स्ट्राग्रेटेड शिरचर लाइक लॉन्ग नेक इसका गर्दन एकदम लंबा आँख लंबा सा नाक लंबा चेहरा भी लंबा उंगली है ये सब भी बड़ा होकर लंबा है देन तो इसका अलग सा थोड़ा सा स्टाइल अलग है देन दूसरा क्या है ये राधा और कृष्णा का लव स्टोरी के बारे में ये दर्शाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग किया जाता है अलग अलग ये के टाइम में जैसे कि होली दिवाली दुर्गा पूजा दशहरा का टाइम में इसे पेंटिंग को बनाते हैं इसमें ये कृष्णा लीला भगवत पुराना ये सब के बारे में दर्शाते हैं और कपड़ा ये सब भी बनाते हैं और ये क्या है कलम और कलम में जितू कुछ याद आ रहा है कलम से लास्ट क्लास में हम लोग जो ट्रिक में किए थे अंधेरी में कलम से लिखने वाला है मैसेज राजा तो कलमकारी कहाँ का है आंध्रा का है लेकिन ये क्या है कलम है ये कलम और कलम में जितू है ये केरला का है ठीक है तो ये क्या है यहाँ पे रिचुअल प्रैक्टिस किया जाता है उस समय टेम्पल के बाहर में इस तरह का डीटी को वो लोग पेंट करते हैं जैसे कि काली और लॉर्ड या आया पका हो गया वो यहाँ पे ड्राइंग करते हैं और नेचुरल कलर का फाइव नेचुरल कलर का यूज़ होता है यहाँ पे और इसे करने के बाद में क्या है पूजा पाठ करते हैं और चारों तरफ फेस्टिवल जैसे मनाते हैं नाचते हैं देन वो कौन कौन सा यूज होता है राइस पाउडर व्हाइट के लिए यूज होता है बर्न हॉक्स जो है ब्लैक कलर के लिए यूज होता है टर्मेरिक येलो के लिए यूज होता है मिक्सचर ऑफ लाइम एंड टर्मेरिक रेड कलर के लिए यूज होता है और ग्रीन कलर के लिए लीव यूज होता है ठीक है देन हम लोग का नेक्स्ट है बेंगल पट ये देखने से ही पता चल रहा है बेंगल पट बेंगल का ही है और यहाँ पे क्या है स्पेसिस और सूट एक सत्रा से इसका रिफ्लेक्ट किया जाता है जो लाइफ के बारे में आजकल का हम लोग का लाइफ है उसके बारे में दर्शाता है और ये नेचुरल कलर से होता है जैसे कि रेड कलर इंडिगो ग्रीन ब्लैक ये सब कलर से यूज किया जाता है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है और जितना भी हम लोग का सोशल आ, लाइफ में आजकल चल रहे सोसाइटी में उसी के बारे में ये ज़्यादातर दर्शाता है और ये क्या है स्क्रोल वाला पेंटिंग है मतलब एक पेंट में बहुत सारा पेंटिंग रहता है और इसे क्लोथ में भी ये करके रखे हैं प्रिजर्व करके रखते हैं बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है देन पिथौरा पेंटिंग ये कहाँ का है गुजरात और मध्य प्रदेश का है और गुजरात का जो रातवा ट्राइब है और मध्य प्रदेश का दो भिलाल भिलाला ट्राइब है वो लोग इसे यूज करते हैं पेंट करते हैं और बिलीव ऐसे करते हैं कि ये पेंट अगर घर के बाहर किया जाए तो वो लोग के घर में क्या आएगा शांति सुख और समृद्धि आएगा इसलिए ये पेंटिंग किया जाता है और ये पेंटिंग में क्या है ज़्यादातर फील्ड ट्री फार्मर वाइल्ड लाइफ बर्ड ये सब के बारे में दिखाते हैं मून के बारे में रिप्रेजेंट किया जाता है देन पेतकार पेंटिंग ये क्या है अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं झारखंड बंगाल उड़ीसा बिहार ये सब से ये होता है ये पेंटिंग उससे एसोसिएटेड करते हैं वहाँ का लोग इसे करते हैं वहाँ का ट्राइबल लोग जो है और ये क्या है जो हिंदू इपिक ये सब का है उसके बारे में महाभारत रामायण ये सब के बारे में ये स्टोरी फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हिंदू माइथोलॉजी दुर्गा शिव ये सब के बारे में भी दर्शाते हैं दिखाते हैं और जो साफ वाला गॉड होता है मनासा उसके बारे में भी दिखाते हैं देन हम लोग का दस नंबर में है पिछुआई पेंटिंग ये कहाँ का है हम लोग का नाथवारा राजस्थान का है और ये पिछुआई पेंटिंग किसके बारे में है देख के पता चल रहा है आप लोगों को कृष्णा और राधा के बारे में है उसका लव स्टोरी के बारे में पोर्ट्रेट किया जाता है इसमें भी और ये जो च, पेंटिंग बनाने वाले लोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? चित्रकार कहते हैं और वो लोग जहाँ रहते हैं वो लोग वो लोग का कम्युनिटी उसे कहा जाता है चित्रों की गली या चित्रकारों का महल कहा जाता है और वहाँ पे वो लोग रहते हैं और बहुत सारे सब मिलके क्या है ये पेंटिंग बनाते हैं बहुत ही बड़ा सा और कपड़ों में और बहुत सारे अलग अलग जगह में भी बनाते हैं और टेम्पल ये सब में भी बनाते हैं वाल में देन सोरा पेंटिंग ये हम लोग का ओडिशा का है सोरा पेंटिंग और ये क्या है तीन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा सर प्रैक्टिस किया जाता है रायगढ़ गजापति और कोरापुर डिस्ट्रिक्ट में होता है इसका सोरा पेंटिंग और इसको क्या कहा जाता है इकोन भी कहा जाता है इकोन ड्रॉ कहा जाता है अपन ट्राइबल फोकलोर एंड हैव रिचुअलिस्टिक एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर द सोरा ट्राइब ओके ये सोरा कम्युनिटी ये करते हैं इसे इकोन भी कहते हैं इसे और पेंट किया जाता है और ये पेंट में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हर्स है एलिफेंट है पीपल है सन है मून है हर चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है और इसे भी ये करने के लिए कलर कैसे लेते हैं अर्थ कलर लेते हैं व्हाइट स्टोन लेते हैं देन राइस को ड्राई करके उसका पाउडर बनाया जा, जा, जा जाता है फिर लैंप का जो सूट रहता है उसे भी निकाल के ब्लैक कलर के लिए यूज किया जाता है और जो टर्मेरिन टर्मेरिन का जो सीड रहता है फ्लावर जो रहता है उसका कलर लिया जाता है और इसे पेंट करते हैं ओके देन संथल पेंटिंग ये संथल पेंटिंग कहाँ का है बिहार का है उड़ीसा का है और वेस्ट बंगाल का है और ये ट्राइबल वहाँ के जो है अपना जो लाइफ है उसके दर्शाते हैं ये लोग वो लोग किस तरह से रहते हैं किस तरह का वो लोग का कल्चर है उसके बारे में दर्शाते हैं स्टोरी फॉर्म में और ये करते हैं पेंट बनाते हैं और ये कलर क्या है ट्रेडिशनली कलर लेते हैं नेचुरल सोर्सेस से और ये कि जब वो लोग का शादी होता है या फिर कोई फैमिली फंक्शन रहता है हार्वेस्ट के टाइम में कोई भी फेस्टिवल के टाइम में इसे बनाया जाता है ये पेंटिंग को किया जाता है देन खोबर एंड सोहराई पेंटिंग तो ये क्या है हम लोग का जी आई टेक भी मिला है कौन सा स्टेट को मिला है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट में ये इसका ये है मतलब पेंटिंग करते हैं यहाँ का ट्राइबल लोग तो जी आई टेक कौन सा स्टेट को मिला है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है ये जो दो में हम लोग का जी आई टेक था इसमें यह था ये खोबर सोहर पेंटिंग तो आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा स्टेट को ये जी आई टेक मिला है ठीक है देन खोबर इज अ मुरल आर्ट फॉर्म ये क्या है मुरल आर्ट फॉर्म है और ट्राइबल व्यूमेन इसे पेंट करते हैं कौन सा सीजन में करते हैं ये मैरिज के टाइम में जनवरी टू जून मंथ में इसको पेंट किया जाता है और ये खोबर इज अ पॉपुलर टर्म ऑफ द पेंटेड रॉक आर्ट कैब इंडिया जो कैब में जो ये होता है आर्ट ये सब रहता है पेंटिंग रहता है उसी को ये खबर भी कहा जाता है ठीक है देन सोहरी आर्ट फॉर्म यूज टू डेकोरेट द वॉल इज़ यूजली मोनक्रोमेटिक और एक्सट्रीमली कलरफुल ये बहुत ही कलरफुल दिखता है बहुत ही लाइटिंग दिखता है देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है और ट्राइबल कम्युनिटी का ये बनाते हैं ओके okay, ठीक है तो आप लोग को यहाँ तक अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि शेयर करने से क्या है दूसरों तक पहुँच पाएगा जिसको ज़रूरत है इसका उस तक पहुँच पाएगा और वो लोग का कुछ फ़ायदा हो सकता है तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए और जो भी मैं क्वेश्चन पूछी हूँ पहला वाला क्वेश्चन क्या था वो जो बनी ठनी वो इंडिया का क्या कहा जाता है वो उसके बारे में मुझे बताएंगे और दूसरा ये क्या है खोबर और सहरी ये कौन सा जी आई मिला है कौन सा स्टेट को जी आई मिला है उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय